डार्क टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, डार्क टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके त्रिपाठी। यूपी का जनपद महाराजगंज, जनपद महाराजगंज के घोघली थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर महुआ के पूर्व प्रधान की पुरानी रंजिश के कारण गांव के ही एक शख्स ने फावड़े के बेट से जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद इलाज के लिए गोरखपुर जाते समय रास्ते में ही पूर्व प्रधान ने दम तोड़ दिया। इस मामले में हमलावर ने कोतवाली पहुंचकर सरेंडर भी कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और पूर्व प्रधान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल मृतक रामनाथ प्रजापति, जो घोघली थाना क्षेत्र के रामपुर महुआ के पूर्व प्रधान थे, जिसका गांव के ही भीम नामक शख्स के साथ पट्टे की जमीन को लेकर एक विवाद चल रहा था। आज जब रामनाथ प्रजापति सदर कोतवाली क्षेत्र के PWD कार्यालय के सामने अपने ऑफिस में बैठे थे, तभी आरोपी, जिसका बगल में ही चाय का दुकान था, हाथ में फावड़ा का बेट से पूर्व प्रधान के सिर पर पीछे से वार कर दिया, जिससे वो लहूलुहान होकर गिर पड़ गए। उसके बाद आरोपी भीम चीख कर बताने लगा कि उसने पूर्व प्रधान को मार दिया है। यह सुनकर सभी अवाक हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल पूर्व प्रधान को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा, जहां से डॉक्टरों ने हालत नाजुक देख मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, पर रास्ते में ही पूर्व प्रधान ने दम तोड़ दिया। वहीं आरोपी ने कोतवाली में सरेंडर भी कर दिया, जबकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। डार्क टाइम्स न्यूज के लिए सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। बेईमानी करा रहे थे अपने भाई से, बस इसी कारण हमने ऐसा किया है। हमको कोई अफसोस नहीं है, ठीक है। ये बेईमानों का काम ऐसा करना चाहिए, जो बेईमानी किसी का करे, किसी के पेट पे लात मारे, ऐसे बेईमानों के साथ ऐसा कर देना चाहिए। मुझे कोई शिकवा गिला नहीं है। कौन थे, क्या नाम था इनका? इनका रामनाथ प्रधान था, है ये पूर्व प्रधान थे। मैं 18 वर्ष इनके साथ में रहा हूँ, फिर इन्होंने मेरे साथ गद्दारी किया है। 18 साल तक इन लोग इनके साथ रहा हूँ। 23 वर्ष मेरा पुराना जमीन कब्जा है, फिर भी ये बेईमानी अपने भाई से करवा रहे हैं। इसलिए मैं बहुत टेंशन में था, मजबूरी थी मेरे आगे। ये आदमी, यही मास्टर माइंड था, उसको बाला फुसला के यही अपने भाई से मेरे जमीन पर कब्जा कराना चाहता था। पीट पीट कर हत्या की गई है, क्या मामला है सर? आज कोतवाली क्षेत्र में एक घटना हुआ, जिसमें एक व्यक्ति को पीट कर मारा जाना बताया जा रहा है। इसमें जो मृतक, जिसका नाम रामनाथ प्रजापति है, और जो आरोपी है भीम गुप्ता, ये दोनों थाना घुघली के रामपुर महुआ के रहने वाले हैं, और कोतवाली में रोडवेज के सामने दोनों की चाय की दुकान है, और काफ़ी समय से यहाँ रहकर अपना अपना धंधा करते हैं। घुघली थाना क्षेत्र में जो इनका गांव है रामपुर महुआ, यहाँ वहाँ पर आसपास ही इनका घर है। पट्टे की ज़मीन को लेकर बहुत समय से इनके बीच विवाद चला आ रहा है, और जो आरोपी है भीम गुप्ता, वो बताता है कि जो मृतक रामनाथ गुप्ता है, पहले प्रधान रह चुका है, पूर्व प्रधान, और उसी समय से पट्टे की ज़मीन को कब्जा करने के नियत से कई बार दरखास्त वगैरह देता था। कल के दिन वह तहसील से कानूनगो लेखपाल को भी बुलवाया था, इसी बात को लेकर वह आहत था, और आज शाम दोपहर से ही जो रामनाथ प्रजापति को ढूंढ रहा था भीम, शाम के समय लगभग 6 बजे रामनाथ प्रजापति, जो मृतक है, अपने कमरे में ऊपर था, बैठा हुआ था, उसी दौरान यह सीढ़ी से चढ़कर उसके पास पहुंचा और कहा सुनी होते होते इसके पास फावड़े का बेट था, बेत लकड़ी का, उसी से इसने कई बार प्रहार किया। प्रहार करने से उसे काफ़ी चोटें आई और वो वहाँ से मौके से निकल गया, और चूँकि ज़्यादा चोट लग गया था, स्थानीय लोगों की मदद से उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और आगे BRT गोरखपुर भेजा गया, और जैसा कि सूचना प्राप्त हो रहा है, वो एक्सपायर मर गया है, उसकी मृत्यु हो गई है। पूछताछ के लिए आरोपी को लाया गया है। घर वालों की तरफ से तहरीर प्राप्त हो जाने के बाद मुकदमा लिखकर आवश्यक विधि कार्य की जा रही है। डार्क टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।